हेलो गाइस, वेलकम टू देबदूत यूट्यूब। आज हम हिंदुस्तानियों के लिए बहुत बड़ी खुशी की खबर है। हिंदुस्तान की तरफ से लिया गया सबसे बड़ी हमला पाकिस्तानी आतंकवादियों के खिलाफ। आज सुबह के करीब 3 बजे इंडियन एयरफोर्स के करीब 12 मिराज विमान ने पीओके में जाके मतलब इंटरनेशनल बॉर्डर को पार करके 1000 किलो का बम गिराया है जैश मोहम्मद के टेररिस्ट कैंप के ऊपर। माना जा रहा है 300 से भी ज्यादा आतंकवादी इस हमले में मर गए, जो हिंदुस्तान पर हमला करने के लिए तैयार किया जा रहा था। हिंदुस्तान की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ ये एक बहुत बड़ी हमला है। 14 फरवरी पूरी दुनिया जिस दिन को प्यार का दिन मनाता है, उसी दिन हिंदुस्तान के 40 से भी ज्यादा जवानों को पाकिस्तानी आतंकवादियों ने शहीद किया था। तब से पूरा देश बदला मांग रहा था और आज 26 फरवरी इंडियन आर्मी एंड इंडियन एयरफोर्स ने मिलकर उस हादसे का बदला लिया है 300 से भी ज्यादा आतंकवादियों को मार गिरा के। इससे भी ज्यादा बड़ी बात यह है कि इंडियन एयरफोर्स ने इंटरनेशनल बॉर्डर पार करके पीओके में घुस के ये हमला किया है। पाकिस्तान के जो लोग फिल्मों में बदला लेने की बात कर रहा था और हंस रहा था, हिंदुस्तान ने उन लोगों को असली फिल्म ही दिखा दी। मैं रिक्वेस्ट करूंगा पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल्स को थोड़ा इस हमले पर भी रिएक्शन दे कि कैसे हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के घर में घुसकर पाकिस्तानी आतंकवादियों को खत्म किया है। दोस्तों, हिंदुस्तान की तरफ से बड़ी सूझबूझ के साथ ये हमला किया गया है। नंबर 1, पीओके एरिया, ये जमीन हिंदुस्तान का ही है। सेकंड, हमला पाकिस्तान के सिविलियंस या फिर पाकिस्तान आर्मी पर नहीं, पाकिस्तान में बैठे आतंकवादियों को निशाना बना के खत्म किया गया है। नंबर 3, पाकिस्तान अगर ये हमला पाकिस्तान के ऊपर मानता है तो सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान आतंकवादियों के साथ है? पूरी दुनिया को जवाब देना होगा। नंबर 4, अभी पाकिस्तान अंदर और बाहर बुरी तरीके से फंस चुका है और यही मौका है पाकिस्तान में बैठे सारे आतंकवादियों को मार गिराने का। हम हमेशा कहते हैं ये आज का हिंदुस्तान है, मर के बदले मार देना जानता है। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान कई बार जंग हो चुका है और हर जंग में पाकिस्तान को बुरी तरीके का हार का सामना करना पड़ रहा है। फिर भी लड़ना है तो मैदान में आओ लड़ने के लिए। हिंदुस्तान के सरकार से एक ही मांग है, इस बार पाकिस्तान की कोई भी जमीन दखल करने के बाद वो दोबारा पाकिस्तान को वापस ना किया जाए। अगर आप एक हिंदुस्तानी हो तो आपके मन में भी आज थोड़ी सी शांति मिली है। आखिर में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को भी क्रेडिट देना चाहिए इतनी बड़ी फैसला लेने के लिए। भले ही हमारे पॉलिटिकल एजेंडा अलग अलग है, लेकिन देश के खातिर हम सब एक है। यही तो खासियत है हमारे हिंदुस्तान की, इतने रंगों में भी हम एक रंग में मिलते हैं। आई सैल्यूट टू द पायलट्स ऑफ IAF जिन्होंने इंटरनेशनल बॉर्डर पार करके जवाबी हमला किया है। सैल्यूट करता हूँ उन लोगों को भी जिन्होंने अपनी जान पर खेल के ये सारे इन्फॉर्मेशन जुटाया है, जिनकी नाम हम लोग कभी भी नहीं जान पाएंगे। अगले वीडियो में मिराज विमान के खासियत के बारे में आप लोगों को बताऊंगा जिस विमान से ये हमला किया गया है। कमेंट पे आप अपना ओपिनियन जरूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, जय हिंद। सुनो,